तो आज मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हम जा रहे हैं पाकिस्तान और नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे। हालत बहुत ख़राब थी और जल्दी से पैकिंग करके बैग रेडी करके हम जोहान्सबर्ग के लिए निकले, जो कि मेरा घर आ रहता हूँ। और आते सैलून में मैंने हल्की फुल्की सी हेयर कट करवाई, क्योंकि यार कुछ बेहतर लगना ज़रूरी था, घर जा रहे थे तो लोग क्या बोलेंगे कि ये कहाँ जंगल से उठ के आ गया, तो इसीलिए थोड़ा सा बाबू शाबू बन के तो जाना चाहिए ना। फिर अनीस भाई को बोला कि एयरपोर्ट पे छोड़ें, ऐसे ना हो कि मुझे कहीं जहाज़ छोड़ के ना चला जाए यार, फ्लाइट मिस ना हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ साहब आप खैरियत से, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का दिन बहुत बिजी था, भागते 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 लेट हो गया, हर जगह से लेट हो गया। और आज की फ़्लाइट थी और जो जो शॉपिंग हो रही थी आज के दिन के लिए हो रही थी, तो फाइनली आज एयरपोर्ट बैठा हूँ जोहान्सबर्ग गोवा टेम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो चलें आपको साथ लेके चलता हूँ, वो थोड़ा सा एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। तो जी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, अपने गेट की तरफ, बोर्डिंग गेट। हमारा A16 है, इस बार मैंने एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहा हूँ काफ़ी अर्सा के बाद। जी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, गेट दूर था, गेट की तरफ जा रहा हूँ, बोर्डिंग क्लियर होगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी गेट हमारा इस तरफ है, ये है 14 और वो नेक्स्ट 16 हमारा ही होगा। जी हमारा 16। तो ये रहा जी हमारा प्लेन जिस पे हम आज फ्लाई कर रहे हैं इंशाल्लाह। और एक और बात कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट पाकिस्तान नहीं जाती है, वाया दुबई जाती है या कतर या अबू धाबी जाती है। तो पहले ये दुबई जा रही है। हो गई जी, ओ तेरी इतना बिजी, बहुत बिजी फ्लाइट है यार, बहुत रश लगा हुआ है। सीट पर बैठ गए यार, विंडो वाली सीट तो नहीं मिली, बट बाकी थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ेगी। अब इतनी देर में कुछ मूवी वगैरह देख के तो किसी की अभी कोई आ जाएगा और उठा देगा, क्या कर सकते हैं मेरा बाप, खाने का वेट करता है, खाने पे चलते हैं। ये प्लेन में कैमरास लगे होते हैं आसपास और ऊपर नीचे, तो ये वहाँ का व्यू है स्क्रीन में दिखा रहे हैं फ्रंट पे। डिपार्चर कर गई है फ्लाइट, अभी बस खाने का वेट है थोड़ी देर, और खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह सोते हैं। मज़े की बात होता हूँ, लेकिन इस प्लेन खाली है आज, सो के आऊँगा। तो फाइनली वो आ गया जिसका इंतजार था, खाना बहुत जोरों की भूख लगी है। चिकन विद मशरूम, ये जी कुकीज़ है, ये भी सम बिस्किट, ये पानी, खाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना स्टार्ट किया, ये मैंने बंद खोल के इसमें लगाया बटर, क्योंकि रोटी तो थी नहीं, और एक चम्मच ली मैंने चिकन और मशरूम जो बना हुआ था, साथ थोड़ी सी स्पेनिश थी, तो ये एक बाइट उसकी ली और साथ एक बाइट बंद की जिसमें मैंने लगाया हुआ था बटर। उसके बाद ये खोला सैलड और सैलड खाया, उसके बाद जनाब ये स्वीट डिश खोली, बहुत ही मज़े की थी। और ये पानी, और ये साथ रिफ्रेशिंग टॉवल होता है, तो ये टिश्यू टाइप होता है गीला सा, तो इससे हाथ साफ़ करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हाथ धोएं। गरम ठंडा, बस यार
यार जो कुछ होता है बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि मैं सोच रहा था यार मुझे विंडो सीट नहीं मिली और ये अच्छा नहीं हुआ, तो बेसिकली अच्छा ही हुआ और मुझे मिडिल वाली सीट मिली, तो इस पर मैं खुला डुल्ला होकर सो रहा हूँ। चलें सोते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं और फिर उठ के आता हूँ। तो सोने के टाइम उन्होंने अंदर से माहौल बहुत ही मज़े का किया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं कोई रोशनी नहीं है और बहुत ही मज़े की नींद आई। और उसके बाद जी हम उठ गए, नींद पूरी कर ली, बहुत ही मज़े की नींद, अच्छा खासा सो के हमने पूरी की। और फिर उसके बाद ये फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ये देखें स्क्रीन पर आ रहा है, हमने अच्छा खासा सफ़र तय कर लिया था जब सो के उठा, तो बस अभी कुछ ही देर का सफ़र बाकी था वहीं पहुँचने में। तो जैसा कि दिखा रहे हैं ये ऊपर हम कितना दूर हैं और 1 घंटा 53 मिनट पहन चला पहुंच जाएंगे। तो फ्रेश होने के बाद दोबारा हल्की सी भूख लग रही थी और सर में दर्द था, तो मैंने फिर चाय मंगवा ली और साथ पानी, ये चाय के साथ दोबारा जनाब उन्होंने मुझे दिया। ये बहुत ही मज़े का एक चीज़ रोल था, तो बहुत ही मज़े का था यार ये खाने के बाद। अब ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, तो लैंड होने से पहले ये थोड़ी देर पहले जो है दुबई का नज़ारा दिखाना शुरू कर देते हैं। दुबई की खूबसूरती, दुबई में जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जो जगह हैं घूमने की, जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं वो जगह, और जो जो हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो ये सारा उससे पहले पहुँचने से पहले हमें दिखाते हैं दुबई। तो यहाँ से ये दिखा रहे हैं जो कैमरा फ्रंट पर है, यहाँ पर लैंडिंग होने वाली है, ये लाइव लैंडिंग दिखा रहे हैं और ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट और एकदम से झटका लगेगा अभी। ये देखें जी हम लैंड कर गए सेफली अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाइव है कैमरा से दिखा रहे हैं कि हम सही सलामत पहुंच चुके हैं। तो चलें वहां से सामान उठाया और हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये देखें बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा आगे जाके आपको फिर दिखाता हूँ प्लेन से निकल के। ये देखें ये है दुबई एयरपोर्ट अंदर से, यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर। ये देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लैंडेड इन दुबई। इसी तेज़ वॉकिंग चलने वाली सीढ़ी पे हैं, भागने वाली जो हमें तेज़ करती है, गेट की तरफ अभी जा रहे हैं। ये है जी दुबई एयरपोर्ट, और यार बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, चल चल के थकने वाला हूँ अभी मैं, मुझे नज़र आ रहा है। वैसे अभी तक गेट का नाम मेंशन नहीं हुआ है, बट ये पता है कि टर्मिनल बी है, बी अभी आ गया, जा रहे हैं बी की तरफ। पहुँच गए यार सबसे पहले अभी कहीं से मस्जिद देख के नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ें आज की सर्दी रहेगी सफ़र में, तो अभी फिर कदा करके पहले नमाज़ें पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगले काम इंशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आके मैंने नमाज़ अदा की, जमात का टाइम तो नहीं था लेकिन फिर भी नमाज़ अदा की। ये है मस्जिद का दरवाज़ा, तो मस्जिद से निकल के आसपास थोड़ा सा घूमा फिरा, कुछ शॉपिंग का प्लान था बट नहीं हो सकी क्योंकि टाइम कम था, ट्रांजिट मेरा बहुत ही कम था। तो ये थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं हम जहाँ पर बोर्डिंग हो रही थी, जल्दी जल्दी बोर्डिंग क्लियर करवा के फिर अगली फ्लाइट की तरफ बढ़े। और ये फिर हम ट्यूब से गुजर रहे हैं और यहाँ से गुजर के फिर हम दूसरी फ्लाइट में इंशाल्लाह बैठेंगे। तो ये भी ट्यूब पे हम दूसरे फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। ये आगे की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके थे जो जो प्रोसेस था, और फाइनली फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान पहुँच चुके। यहाँ से हमने इमिग्रेशन क्लियर करवा के अपने लगेज रिसीव करने की जगह पर पहुँच गए। बड़ी देर के बाद लगेज आया और फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें हमारा लगेज मिला और ये हम आ गए बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो 12-13 घंटे का सफ़र करके यार बहुत ही थक चुका था और जल्दी जल्दी हम गाड़ी की तरफ पहुंचे और ये हम बैठ गए गाड़ी में। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैरियत से पाकिस्तान, और साथ जी असलान साहब आए लेने के लिए जी, और ये पीछे अहमद साहब आए लेने के लिए जी, और एयरपोर्ट से निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र लंबा था यार, थक गए थोड़े से, तो थकावट तो हो जाती है सफ़र में, तो बाकी अभी घर की तरफ रवाना हुआ है। तो बाकी चले नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं थोड़ी देर में। तो एयरपोर्ट से निकले, बहुत रश है, बहुत बिजी था, बैगेज नहीं मिल रहे थे, बस क्या बताऊँ कितने लोचे होते हैं सफ़र के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था खैरियत से पहुँच गए। तो ये थी जर्नी जोहान्सबर्ग से
पाकिस्तान इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगली वीडियो में जो जो मैं सामान लेके आया हूँ उनकी अनबॉक्सिंग करूँगा और जिस जिसके लिए जो सामान लेके आया हूँ वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आज की पसंद आई है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, वहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ सामान की। तो अपना ढेरों ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम।